आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में आधा सैकड़ा से ज़्यादा गौवंश एक ही तरह से गले से उनका गला रेता गया और दो विभिन्न स्थानों पर ये पाए गए। दोनों स्थान लगभग जिनकी दूरी 50 किलोमीटर से ज़्यादा थी, एक बैनगंगा के तट पर मझगवां के पास और ये है केवलारी विकास खंड केवलारी या तहसील केवलारी के मझगवां के करीब ये गौवंश मिले थे। और दूसरे गौवंश उसी तरह से जिन्हें जिनकी गर्दन रेती गई थी वे धूमा के करीब गिरगिटिया से 3 किलोमीटर दूर जंगलों में मिले थे। इस संबंध में गहमा गहमी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही थी। 19 जून बुधवार को ये शाम के समय ये सब दिखाई दिए और उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। 20 जून बृहस्पतिवार को मझगवां सनातन धर्म के लोग पहुँचे, उनके साथ विधायक दिनेश राय, सिवनी के विधायक दिनेश राय, केवलारी के पूर्व विधायक राकेश पाल सिंह भी पहुँचे और उनके द्वारा वहाँ पर धरना दिया गया। इस संबंध में सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि जिला कलेक्टर सिवनी क्षितिज सिंगल का क्या कहना है। आइए हम पहले सुनते हैं क्षितिज सिंगल को और उसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह का क्या कहना है वो हम आपको इसके बाद सुनाते हैं। नहीं, सभी को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि पूरा पुलिस और पूरी तरीके से प्रशासन के सभी विभाग इसमें जुटे हुए हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं और शीघ्र ही हमें इस घटना के पीछे कौन है वो भी पता चलेगा और उस अनुसार उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। सुना आपने जिला कलेक्टर क्षितिज सिंघल का इस संबंध में क्या कहना था। उनके द्वारा यही कहा गया कि बहुत जल्द ही अपराधियों को आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह इस मामले में क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं। इस मामले में हम आपको ये बता दें कि लोगों का ये भी कहना, हालांकि इस बारे में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया किसी तरह की पुष्टि नहीं करता, पर जिस सिवनी में जिन जगहों पर मिले हैं गौवंश उन रास्तों से गौवंशों की तस्करी लगातार जारी है। इसकी पुष्टि भी पूर्व विधायक राकेश पाल सिंह के द्वारा एक खबर में की गई, खबर आपने देखी होगी। और सिवनी से होकर बहुत सारे गौवंश से भरे ट्रक निकलते हैं, पूर्व विधायक राकेश पाल सिंह का कहना यही था। और यही बात सिवनी के विधायक दिनेश राय ने भी कही कि पुलिस विभाग और प्रशासन के सभी लोगों के मोबाइल के DSR निकालने चाहिए, डिटेल्ड कॉल रिकॉर्ड चेक करने चाहिए कि उनकी किससे बात हो रही है, क्योंकि प्रशासन की सहमति के बिना, पुलिस की सहमति के बिना गौवंश की तस्करी होना संभव नहीं है। और एक और बड़ी बात ये कि खवासा का जो बॉर्डर है, खवासा बॉर्डर से ये कोई भी वाहन निकल नहीं सकता है बिना एंट्री किए हुए, बिना वहाँ पर सूचना दिए हुए। फिर ये गौवंश के वाहन वहाँ से कैसे गुजर जाते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। विधायक दिनेश राय इसके पहले खवासा की मेटेवानी चौकी पर 24 घंटे से ज़्यादा समय उन्होंने व्यतीत किया था। उन्हें चाहिए कि एक बार फिर वे बैठें और देखें कि गौवंश की गाड़ियाँ वहाँ से निकल रही हैं या नहीं। आइए हम सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह का इस संबंध में क्या कहना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल धूमा के पास जंगल में गोवंश मिलने की सूचना मिली थी, कुछ गोवंश पड़ा है भारी संख्या में जिसका गला कटा हुआ है। ठीक उसी समय लगभग 4 बजे के करीब जो है यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना केवला धनौरा के सुनवारा चौकी अंतर्गत किंद्रई गांव के में बैनगंगा नदी में लगभग 15-16 नग गौवंश तैर रहा है। तत्काल दोनों जगह पे पुलिस बल भेजा गया, डॉक्टरों की टीम भेजी गई और उनको सबको चेक किया गया तो पाया गया कि किसी ने समाज में विद्वेष पैदा करने के उद्देश्य से गौवंश को गला रेत के हत्या की है। ये मामला बहुत गंभीर था क्योंकि जो धुमा में गौवंश मिला है करीब 28 की संख्या में मिला है और
सुनवारा चौकी अंतर्गत जो बैन गंगा में मिला है वो 14 और 4 और प्लस 8 लगभग 26 की संख्या में मिला है। इस तरह कुल 54 को नग गोवंश मिला है अपने को, जिनका गला रेत कर मारा गया था। और यह स्पष्ट तौर पे समाज की भिजा को खराब करने का, सांप्रदायिक तनाव फैलाने का एक घृणित षड्यंत्र था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय है। आज मैं और कलेक्टर दोनों गए थे और उन्होंने मौके का मुआयना भी किया और पाया कि ये घटना बिल्कुल इसी उद्देश्य से की गई है। इसमें चूंकि जो आरोपियों के नाम जो सामने आए थे वो नाम जो है रात से ही घटना अज्ञात थी, लेकिन रात से ही हमने लगातार प्रयास किया, तो रात प्रयास करने के बाद एक वाइफ जो ग्वाली का रहने वाला है, शादाब, उसी के परिवार से का ही एक व्यक्ति है जो उससे अलग रहता है लेकिन उसी के परिवार का है, उसका नाम आया, इरफान का नाम आया, और एक संतोष जो गरगठिया गांव का था उसका भी नाम आया। संतोष का पूर्व में गौवंश में वारंट वगैरह भी थाने पर लंबित है। तो इन सभी आरोपियों के अलावा और भी 2-3 नाम आए हैं। 3 आरोपी नागपुर के हैं जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो अभी संख्या एग्जैक्ट जो है अपने को 7-8 लग रही है, लेकिन इससे भी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसे तमाम इनपुट हमारे पास आ रहे हैं, लोगों के द्वारा भी बताए जा रहे हैं और घटनास्थल के आसपास के व्यक्तियों से भी चर्चा में इनपुट आ रहे हैं, तो संभव है कि कुछ और नाम बढ़ेंगे। 3 लोगों के नाम सामने आए हैं। इन सभी के ऊपर गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, पशुक्रूरता अधिनियम और मध्य प्रदेश पशु परिरक्षण अधिनियम के धाराओं के अतिरिक्त 153A भादवी के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इन सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और घटना के अन्य पहलू क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये घटना ऐसी है कि इसके दूरगामी प्रभाव जो है पूरे एक समाज के बहुत बड़े हिस्से पे, मतलब न सिर्फ सिवनी के बाहर भी पड़ने की संभावना थी है, तो इसलिए इस घटना की गंभीरता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए हम इसके हर पहलू को तफ्तीश कर रहे हैं और तफ्तीश करके और भी जो तथ्य सामने आएंगे उसका खुलासा करेंगे। सर, अभी कितने आरोपी गिरफ्तार हुए और कितने अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जो चिन्हित आरोपी थे जिन्होंने घटना घटित किया है उनको अभी हिरासत में लेकर हम पूछताछ कर रहे हैं और जो जो पहलू सामने आते जाएंगे उसके साथ इनको हम गिरफ्तार करके न्यायालय और प्रस्तुत। पुलिस अधीक्षक सिवनी के द्वारा कुछ आरोपियों के नाम बताए गए हैं मीडिया के समक्ष। इनकी गिरफ्तारी के बाद या पुख्ता तौर पर कब ये बात सामने आ पाएगी कि कौन कौन इसमें शामिल था, उसके बाद ही सारी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी से एक आग्रह है कि उद्वेलित ना हो, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया जिले के निवासियों से अपील करती है कि वे संयम बनाकर रखें और पुलिस और प्रशासन को अपनी कार्रवाई करने दें। एक बार फिर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह क्या कह रहे हैं हम सुनाते हैं। अभी तक सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं, जो भी लोग हैं उनको उनसे अनुरोध है कि इस तरह की चीज़ें करने के बजाय पुलिस प्रशासन की कार्रवाई में सहयोग करें। ये घटना जिस उद्देश्य से की गई है उस उद्देश्य को अपने को ध्वस्त करना है और इस तरह के आरोपियों के ऊपर जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है उसमें सहयोग करके कार्रवाई इतनी अच्छी करनी है जिससे समाज को भी मैसेज जाए और इस तरह के आरोपी लंबे समय तक इस तरह की चीज़ों से करने से डरें और भयभीत हों। जिला कलेक्टर क्षितिज सिंघल और जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के द्वारा क्या कहा गया ये हमने आपको अभी बताया। संयम बनाकर रखें, पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर भरोसा रखें। पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।